सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का रिलेशंस बताने वाला है बिटवीन यू वी आर एन वन एंड एन टू। पहला डेरिवेशन हम कर चुके हैं रियल इमेज के लिए, अब हम सेकंड डेरिवेशन पे आ रहे हैं क्योंकि कॉन्वेक्स रियल और वर्चुअल दोनों बताता है। बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान दें क्योंकि ये वाला डेरिवेशन मैक्सिमम पूछा जाता है और इसकी खासियत बता रहा हूँ आपको। इसमें लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द सरफेस। जब भी लिखा हो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द सरफेस आप तुरंत समझ जाए कि ये वर्चुअल इमेज बनाने वाला है। तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये पहले वाला डायग्राम बना हुआ है, आपने देखा कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रेयरर, यहाँ डेंसर आ गया, डेंसर यानी एन टू, रेयरर यानी एन वन, एक्स पी वाई सरफेस है। अब मैं ऑब्जेक्ट लूंगा और ऑब्जेक्ट मैंने आपको पहले बताया कि पास में होना चाहिए, ये देखिए। तो एक रे गई है हमसे, एक रे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलरेडी हियर, यू नो वेरी वेल। So this is a point object, one ray is passing through the pole straight, the second is strikes here at point A and then at point A we are going to draw a normal, ये normal वाला मैंने n नाम दिया, this is angle of incidence, this is angle of incidence। अब rearer to denser वो याद आया, rearer to denser means the ray move towards the normal, पर ये भी बहुत पास में है तो ये towards जाएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जा पाती, थोड़ा सा deviation है। B, this is my angle of refraction। अब ये ray इस ray से कभी भी मिलने वाली नहीं है, तो जो सामने नहीं मिलती वो पर्दे के पीछे मिलती है, इसको बोलेंगे चल पीछे आ जा, आओ 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 आओ। और देखिए ये यहाँ पर स्ट्राइक करा, मैं सीधा कर देता हूँ जरा, अच्छा बढ़िया, ये देखिए ये, सो दिस इज नाउ माई इमेज, आई बन गई। इमेज बनने के बाद हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज परपेंडिकुलर ए एम, और अब हम नेम कर रहे हैं। तुषार जी प्लीज, कुछ बच्चों की मुझे लगातार आवाज आ रही है, ना करें। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, दिस इज इमेज डिस्टेंस वी, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। डायरेक्शन देखें तो मैंने बनाई हुई है बराबर डायरेक्शन, एंड नाउ आई हैव टू ड्रॉ एंगल्स, एंगल्स बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट का एंगल होता है अल्फा, इमेज का एंगल होता है बीटा और सी का एंगल होता है गामा। तो अब आप स्टार्ट कैसे करेंगे, आप देखिए अगेन प्रीवियस वन, कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स पी वाई, वो इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ए वर्चुअल इमेज आई इज फाउंड, यानी पिछले वाले डेरिवेशन में रियल की जगह सिर्फ वर्चुअल लिखना है, बाकी सब सेम आएगा। कि बिफोर डिराइविंग एन एक्सप्रेशन वी एज्यूम द फॉलोइंग थ्री एजम्पशंस, ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल दे फॉर्म्स वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सो साइन थीटा टेन थीटा थीटा सब बराबर माने जाएंगे, एंड अपर्चर ऑफ द सरफेस इज वेरी स्मॉल। फिर अगेन स्टेज लॉ लगाया, एन वन देखिए, एन वन साइन आर इक्वल टू एन टू साइन आर, एन वन आई इक्वल टू एन टू आर आ गया वैसे ही। अब आई निकालना, आई के लिए ऑलवेज वी आर टेकिंग ट्राइंगल ए ओ सी, तो ए ओ सी लिया मैंने, देखो ए ओ सी आई बाहर है तो वही सेम आया, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन गामा, आई इक्वल टू टेन अल्फा की वैल्यू रख दी, ये टेन अल्फा की वैल्यू है, ए एम अपॉन एम ओ प्लस टेन गामा की वैल्यू है ए एम अपॉन एम सी, ये देखिए
आगे चले हम यहाँ से, अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू के लिए हम लेते हैं ट्राइंगल ए आई सी। ए आई सी देखें हम कहाँ है, ए आई सी, अब आर बाहर है इस बार, तब आर चेंज हो गया, देखिए यहाँ आ गया आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इक्वल टू गामा प्लस बीटा, तो आर इज इक्वल टू टेन गामा प्लस टेन बीटा, टेन गामा आपको बताइए एम अपॉन एम सी, ये प्लस आ गया एम अपॉन एम आई, देखिए वैसे ही चल रहे हैं हम, सिर्फ जरा सा चेंज आ रहा है। अब ये तीनों इक्वेशन आ गई, वन टू थ्री, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, एन वन आई, आई की वैल्यू ये है, एन टू ये इसकी वैल्यू है, यहाँ पर एक चेंज था या प्लस आ गया, देन ओपन करा एम कैंसल आउट हो गया, एन वन अपॉन एम ओ प्लस एन वन अपॉन एम सी इक्वल टू एन टू अपॉन एम सी प्लस एन टू अपॉन एम आई, चले गए यहाँ पर आ गए, यहाँ आए एन वन अपॉन एम ओ और उधर से किसको लेके आया एन टू अपॉन एम आई को, तो वो यहाँ आके अब माइनस हो गया, एंड हियर एन टू अपॉन एम सी माइनस एन वन अपॉन एम सी करेक्ट चल रहा है, ये साइन बदल रहा है, देखिए आप ये देखिए ये सेम आया। नाउ ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड थ्रू पोल, तो फिर पी की वैल्यू रखनी है, तो एज अपर्चर इज वेरी स्मॉल एम लाइज वेरी क्लोज टू पी, तो एम ओ पी ओ हो जाएगा, एम आई पी आई हो जाएगा, एम सी पी सी हो जाएगा, तो यहाँ हमने रखा है एन वन अपॉन पी ओ, ये हमारा माइनस चल रहा है, और ये आ गया यहाँ रखने के बाद फ्रॉम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, तो पी ओ, पी ओ मतलब यू और ये लेफ्ट में माइनस यू, बिल्कुल ठीक, पी आई, वाह पी आई भी इस बार लेफ्ट में, तो पी आई भी क्या हो गया माइनस वी, पी सी, पी सी आर ही रहेगा, तो दिस इज एन वन अपॉन माइनस यू, माइनस था ये एन टू अपॉन माइनस वी, और ये सेम है, तो अगर आप इन दोनों को देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आपका क्या फार्मूला बन गया, वही फार्मूला बना एन वन अपॉन माइनस यू प्लस एन टू अपॉन वी इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, देखिए सेम फार्मूला आया तो पहले आया था, एंड देन डिवाइडिंग बाय एन वन, इसको एन वन से डिवाइड कर दो, जब एन वन से डिवाइड किया तो वन अपॉन माइनस यू प्लस एन टू अपॉन एन वन अपॉन माइनस अपॉन वी इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन आर, सो वन अपॉन माइनस यू एंड एन टू अपॉन एन वन यू नो वेरी वेल इट इज एन, ये भी एन, तो सेम डेरिवेशन आ रहा है, यानी आप रेयरर टू डेंसर कोई भी सरफेस पे आपका फार्मूला सेम आने वाला है, तो ये मैंने आपको कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डेरिवेशन बताया, जब ऑब्जेक्ट पास में रखा है, तो पास में रखा है तो वर्चुअल इमेज बनेगी और एग्जाम में आता है, इसमें कई बार ऐसा आता है कि वो ऐसा डायग्राम देते हैं एग्जाम में, ये डायग्राम दे दिया, इसे लिख दिया रेयरर इसे डेंसर, और बोलते हैं कंप्लीट द डायग्राम, तो बच्चे क्या करते हैं रियल इमेज बना देते हैं, वो ये नहीं पढ़ते कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द सरफेस, जब भी क्लोज बोले आप समझ जाए रियल इमेज बनने वाली नहीं है, वर्चुअल ही बनेगी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कॉन्केव का बता रहा हूँ, कॉन्केव में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे बनाएंगे डायग्राम ये देखिए आप, और डेरिवेशन मैक्सिमम आप देखें पॉइंट सेम आपको वही मिलेंगे, कॉन्केव इज ऑलवेज फॉर्म से वर्चुअल इमेज, तो कॉन्केव में एक ही केस होगा आपके पास वर्चुअल वाला, देखिए रेयर टू लेंसर जाना है, तो सबसे पहले मैंने ये सरफेस बना लिया एक्स, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, टी वाई ये रेयर मीडियम है, एन वन दिस इज टेंसर मीडियम, एन टू, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा ये आपको देखना है, तो मैंने आपको पहले बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आप एज्यूम करो सर्कल, तो आप सर्कल पे एज्यूम करो, देखो तो यहाँ आ रहा है, नाउ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं,
ये पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, एक रे तो डायरेक्ट चली गई, सेकंड रे ये स्ट्राइक की सेकंड रे में सरफेस को, एंड देन वी ड्रॉ ए नॉर्मल, एंड नॉर्मल यू नो वेरी वेल वी आर ड्राइंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पास में भी ला सकते हो, थोड़ा इजी हो जाता है। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है आपके पास डायग्राम बनाने में, क्या प्रॉब्लम आने वाली है देखिए आप, रेयरर टू डेंसर मीन्स रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल है तो इधर जाएगी रे, ये वाली ऐसे जा रही है, और ये बना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप एक जरूर काम करें कि जब ये डायग्राम बनाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा इधर लें ऑब्जेक्ट से दूर, तो आपको बनाने में थोड़ी दिक्कत कम होगी। देखिए ये है, ठीक है। नाउ दिस रे ए बी इट विल नॉट मीट विद दिस रे, मतलब रियल इमेज बनने वाली नहीं है, और जो रियल इमेज नहीं बनती तो उसकी वर्चुअल बनती है। कहाँ बनेगी, पीछे बढ़ाएंगे हम, पीछे देखिए तो पीछे बढ़ाया, आ जाओ भाई आ जाओ, यहाँ तक आएगी। सो दिस इज अवर इमेज, ये आर है आपको याद होगा, ये आर नहीं ये आई है, ठीक है, ये इमेज बन गई। एंड देन वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एम फ्रॉम हियर, तो यहाँ वर्चुअल इमेज बनी, दिस इज ऑब्जेक्ट तो दिस इज यू, दिस इज वी, दिस इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ एंगल ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा एंगल होता है, इमेज के साथ बीटा एंगल होता है, और सी के साथ नॉर्मल के साथ गामा एंगल होता है। डायग्राम मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम आगे चलते हैं, बिल्कुल सेम चलेंगे, देखना आप। कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स पी वाई, ओ इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, आफ्टर रिफ्रैक्शन ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। नाउ बिफोर डिराइविंग एन एक्सप्रेशन वी अज्यूम द फॉलोइंग assumptions, ये सबसे पहले वाले चैप्टर तो पहले वाले वीडियो जो बनाया था उसमें सब बताया गया है, आप ध्यान से देखिए, पर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा बोल ही रहा हूँ मैं। बिफोर डिराइविंग एन एक्सप्रेशन वी अज्यूम द फॉलोइंग assumptions, नंबर वन ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल दे ऑल फॉर्म्स वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, सो साइन थीटा टेन थीटा एंड थीटा दे ऑल आर सेम। थर्ड अपर्चर ऑफ द सरफेस इज वेरी स्मॉल, तो नेचुरली मैं क्या लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ। तो देखिए एन वन साइन आर इक्वल टू एन टू साइन आर, एन टू साइन आर, अब मुझे आई निकालना, फिर मैं ट्राइंगल ए ओ सी लूंगा, इन ट्राइंगल ए ओ सी आप देखिए ए ओ सी, ए ओ सी में आई अंदर है और गामा बाहर है, तो अब आपका यहाँ बदल गया, ये हो गया गामा इज इक्वल टू आई प्लस अल्फा, तो आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो ये हो गया टेन टेन गामा माइनस टेन अल्फा, और टेन गामा की वैल्यू आपको पता ही है, टेन गामा यानी ए एम अपॉन एम सी माइनस टेन अल्फा यानी ए एम अपॉन एम ओ, ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। फिर मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे आर निकालना है, एंड आर के लिए आई एम गोइंग टू टेक ट्राइंगल ए आई सी, तो अगर आप इसमें देखें ये आर था तो ये वाला भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से आर हो गया, तो गामा बाहर है यहाँ भी, तो गामा इज इक्वल टू
R plus beta. So R is equal to gamma minus beta. So R is equal to 10 gamma minus 10 beta. And 10 gamma is Am upon Mc minus Am upon Mi. Now, तीनों इक्वेशन हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इनको फिर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना 1, 2, 3 को एक साथ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एन वन आई की वैल्यू ये थी मेरी Am अपॉन Mc माइनस Am अपॉन Mo एंड एन टू था Am अपॉन Mc माइनस Am अपॉन Mi। आप देख रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। सो Am दोनों तरफ से कैंसल आउट एन वन अपॉन Mc माइनस एन वन अपॉन Mo, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एन टू अपॉन Mc माइनस एन टू अपॉन Mi। अब यहाँ से हम यहाँ प्रस्थान करते हैं, Mc वाले उधर ले जाएंगे और ये एन वन वाले Mo वाले और Mi वाले एक तरफ। तो ये माइनस एन वन अपॉन Mo, ये वाला देखिए आप, ये था, और फिर इसको लेकर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एन टू अपॉन Mi, और यहाँ बचा है एन टू अपॉन Mc और उधर से वो माइनस होकर आ गया, ये बिल्कुल क्लियर है। सो माइनस एन वन अपॉन Mo प्लस एन टू अपॉन Mi इक्वल टू एम सी, हमारा एल सी एम आ गया, तो एन टू माइनस एन वन अपॉन एम सी। अब फिर टाइम आ गया वैल्यू रखने का। तो यू नो वेरी वेल अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स एम लाइज वेरी क्लोज टू बी, एंड सो एम ओ इज सिमिलर टू पी ओ, एम आई पी आई एम सी पी सी, आप देख रहे हैं यहाँ पर कभी चेंज ही नहीं आ रहा, ये बिल्कुल सेम आ रहा है हर बार हर डेरिवेशन में। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एम वन अपॉन पी ओ, ये प्लस था और ये बराबर है। नाउ पी में सब आ गया, जैसे ही पी आ जाता है वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। पी ओ, तो पी ओ आप देखें लेफ्ट में है माइनस यू, पी आई आप देखें लेफ्ट में है माइनस वी, और पी सी भी अब लेफ्ट में है इस बार, यानी पी सी इज ऑल्सो माइनस आर, ये माइनस हो गया। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, ये था हमारा माइनस एन वन अपॉन माइनस यू, ये था प्लस एन टू अपॉन पी आई की वैल्यू रखी मैंने माइनस वी, एन टू माइनस एन वन अपॉन माइनस आर। तो अब दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसल आउट, और ये वाला माइनस मैं वहाँ ले जाऊँगा, तो जब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस एन वन अपॉन यू, ये माइनस कट गया, प्लस एन टू अपॉन वी इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, एंड देन डिवाइड दिस इक्वेशन अगेन बाय एन वन, एन वन से डिवाइड करूंगा तो ये वन हो जाएगा, वन अपॉन माइनस यू प्लस एन टू अपॉन एन वन अपॉन वी इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन माइनस वन अपॉन आर, एंड एन टू अपॉन एन वन आपको पता है एन होता है, तो वन अपॉन माइनस यू प्लस एन वन वी इक्वल टू एन माइनस वन अपॉन आर, फिर से वही आंसर आया। तो जब आप रेयर अर्थ से डेंसर जाएं तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, रेयर अर्थ से डेंसर, तो रेयर मतलब एन वन होता है, डेंसर मतलब एन टू होता है, दोनों के बीच में अपॉन लगाओ, बीच में लिखो प्लस। अब रेयर में आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज माइनस यू, इसको लिखो वी, अब यहाँ पहले एन वन था और एन टू था तो इक्वल टू के बाद उल्टा कर देंगे, एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। फिर से बता रहा हूँ, रेयर टू डेंसर लिखो, रेयर के नीचे एन वन है, डेंसर के नीचे एन टू है, एरो बदल जाएगा प्लस में, ये होएगा माइनस यू ये भी, और फिर उल्टा कर दो एन टू माइनस एन वन अपॉन आर, तो आप कभी भी भूलोगे नहीं। तो ये आपके रेयर टू डेंसर के तीनों डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए हैं। अब दो डेरिवेशंस बचे हैं डेंसर टू रेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़
प्लीज आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बोर्ड एग्जाम्स के जितने बच्चे हैं उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दें। थैंक यू।